नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं दबंग 3 वर्सेस हाउसफुल 4 डे 15 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे इन दोनों फिल्मों का 15वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और साथ ही साथ बताएंगे 15वें दिन इन दोनों में से कौन सी फिल्म ने की ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म ने मारी बाजी। मगर दोस्तों उससे पहले, अगर आप सुपरस्टार सलमान खान और सुपरस्टार अक्षय कुमार के फैन हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, पहले बात करते हैं हाउसफुल 4 मूवी की। दोस्तों हाउसफुल 4 एक एपिक रीइनकार्नेशन कॉमेडी फिल्म है, जिसका डायरेक्टर है फरहाद सामजी और इसे प्रोड्यूस किया था साजिद नाडियाडवाला ने। और इसके स्टार कास्ट में आपको मुख्य किरदारों में नजर आए थे सुपरस्टार अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, पूजा हेगड़े, कृति खरबंदा, राणा डग्गुबती, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चंकी पांडे, जॉनी लीवर और रंजीत जैसे एक्टर्स। और अगर बात करें इस फिल्म के लिए रिव्यूज की, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स का खराब रिव्यूज मिले थे, मगर ऑडियंस के बहुत अच्छे रिव्यूज मिले थे और ऑडियंस का बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला था। दोस्तों इस फिल्म की कहानी और डायरेक्शन तो ठीक ठाक है, मगर इस फिल्म का स्क्रीन पे बहुत अच्छा है और इस फिल्म में अक्षय कुमार सर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का बजट है लगभग 175 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 175 करोड़ रुपए। और दोस्तों आपको बता दें कि हाउसफुल 4 बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही है। जी हाँ दोस्तों, सुपरहिट। और दोस्तों इसे रिलीज किया गया था इंडिया में लगभग 3,800 स्क्रीन्स पर, ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन्स पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 4,500 स्क्रीन्स पर। और दोस्तों अगर बात करें इसके 15वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने अपने 15वें दिन इंडिया नेट पर कमाई की थी लगभग 1,95,00,000 रुपए। जी दोस्तों, 1,95,00,000। और आइए दोस्तों अब बात करते हैं दबंग 3 मूवी की। दोस्तों आपको बता दें कि दबंग 3 एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसके डायरेक्टर है प्रभुदेवा, प्रोड्यूसर है सलमान खान, अरबाज खान और निखिल द्विवेदी। और इसके स्टार कास्ट में मुख्य किरदार में आपको नजर आए हैं सुपरस्टार सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, कन्नड़ इंडस्ट्री के सुपरस्टार किच्चा सुदीप, साई मांजरेकर, अरबाज खान और माही गिल जैसे एक्टर्स। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों के ही मिक्स रिव्यूज मिले हैं, यानी कि ठीक ठाक रिव्यूज मिले हैं। मगर दोस्तों ये सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म है, इसलिए इस फिल्म को रिव्यूज मिक्स मिलने के बावजूद भी इस फिल्म ने धमाकेदार कमाई की है, क्योंकि सलमान खान सर का स्टारडम बहुत बड़ा है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को 4 भाषाओं में रिलीज किया गया था, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। और दोस्तों इसे रिलीज किया गया था इंडिया में लगभग 4,300 स्क्रीन्स पर, ओवरसीज में लगभग 1,200 स्क्रीन्स पर, यानी कि वर्ल्ड वाइड टोटल 5,500 स्क्रीन्स पर। और दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के बजट की, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म का बजट है लगभग 90 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 90 करोड़ रुपए। और दोस्तों अगर बात करें दबंग 3 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें इसने बहुत ही शानदार ओपनिंग ली थी और उसी के साथ इसने अब तक बहुत ही अच्छी कमाई की है। और दोस्तों इसने अपने 14वें दिन इंडिया नेट पर कमाए लगभग 1,50,00,000 रुपए और ये अपने 15वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 50,00,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 15वें दिन यानी कि आज इंडिया नेट पर लगभग 50,00,000 रुपए। तो दोस्तों अब तक की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के हिसाब से 15वें दिन हाउसफुल 4 मूवी मारेगी बाजी, हाउसफुल 4 मूवी करेगी ज्यादा कमाई। दोस्तों अगर आपने दोनों फिल्में देखी है, तो आपको इन दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके ये भी बताएं कि इन दोनों में से कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार, सलमान खान या अक्षय कुमार, और इन दोनों फिल्मों में आपको किस एक्टर का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा।